हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट हलवा। इसके लिए हमने यहाँ पे 1/2 लीटर मिल्क ले ली है। इसे बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं। इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए बॉईल करनी है जब तक कि ये हाफ ना हो जाए। ये क्वांटिटी में हाफ होने तक हमें पकाना है। ये देखिए फ्रेंड, ये कितनी अच्छी तरीके से बॉईल हो रही है। ये काफ़ी ठीक हो चुका है, ये क्वांटिटी में हाफ भी हो चुका है। अब इसमें हमें ड्राई फ्रूट डालनी है। यहाँ पे हमने 10-12 खजूर को काट कर बीज निकाल के रेडी करके रखी थी, उसे डाल देते हैं। दस बीस के करीब काजू और 10-20 किशमिश से भी इसमें डाल देते हैं। डालकर कंटिन्यूसली फिर इसको पकाना है, ये हाफ होने तक फिर इसे पकाते रहना है आपको। इसी तरीके से चलाते हुए आपको पकाते रहना है। यहाँ पे हमने 5-6 पत्तियाँ केसर की डाली है ताकि अच्छी कलर आए, और 50 ग्राम चीनी डाल दिए है। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए कुक कर लेनी है, इसका पानी जब तक ना अब्सॉर्ब हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये हलवा काफ़ी स्वादिष्ट और हेल्दी होता है, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप चाहे तो घर पे इजीली आपको बना सकते हैं, और आपके मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये काफ़ी सूख चुका है, पानी एब्जॉर्ब कर लिया। ये हलवा हमारा रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, या फिर फ्रिज में स्टोर करके 2-3 दिन के लिए रख भी सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये कितना स्वादिष्ट बना है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। आगे के वीडियो के लिए बने रहे।